हाय मैम, आप हस्बैंड वाइफ? अरे कितने साल हो गए शादी करता हूँ? चार महीने। चार महीने, वाओ कैसा लग रहा है मैम? ये तो अभी वाला पीरियड है पता है, जिसमें एक दूसरे को आप सिर्फ कॉम्प्लीमेंट देते रहते हो। आपकी ना राइटिंग बहुत सुंदर है। कहाँ देखी? व्हाट्सएप पे। आपके फेरे कितने बजे होते हैं आपको याद है? फेरे हाँ, इंडिया में क्या होता है ना मैम, फेरे होते हैं ये 12 से 4 के बीच में। ये इसलिए करा जाते हैं कि दोनों को कुछ भी याद ना रहे। आप बिलीव करोगे, मुझे अपने फेरों में जो मोटा मोटा याद है वो है सोहा। बड़ा सोहा 100 रुपए, छोटा सोहा 50 रुपए। पंडित जी का कॉन्सेप्ट क्लियर था। पर आप अपने इन लॉस के साथ रहते हो, कोई बात नहीं। पर कैसी है आपकी सास? बहुत अच्छी है। वो शुरू में तो लगता ही है। ये वाला पीरियड ही है, कौन जान सकता। स्वाति आप तो समझते हो बातें। स्वाति आप तो ये बातें ही, वो अंदर से लॉल कर रही है पता आपको। कह रही धीरे धीरे पता लगेगा। किसको एसी पसंद है, किसको एसी नहीं पसंद? आप वो हमें हर कपल की ये दिक्कत है। होता क्या ना, जैसे मुझे एसी बहुत पसंद है, मेरी वाइफ को बिल्कुल नहीं पसंद। और हमारे घर में मिडिल ग्राउंड नहीं होता है कि थोड़ी देर चलाएंगे फिर बंद कर देंगे। तो हम दोनों डिसाइड किया कि सर अब एक दिन एसी चलता है, एक दिन नहीं चलता। अब जिस दिन चलता है एसी, उस दिन मैंने क्रीम वीम लगाई, क्विंट में गुड नाइट डियर और बेस्ट हो गया। फिर सुबह ऑटो देखो, साथ में एक पोलर बियर में बैठा होता है। अब नेक्स्ट दिन हमारी बारी यार, अब हमारे को झेलना पड़ेगा। अब वो नेक्स्ट दिन करी गुड नाइट डियर और सो गई। सुबह उठी करी, तुम बड़ी जल्दी उठ गए, पता लगा कब नहा धो के बैठ गए। मैंने कहा पसीने में बैठा हूँ। एक चीज करेंगी लड़कियां सारी करती हैं, एक कॉन्सेप्ट है क्वालिटी टाइम। बस ले आएंगे इसी दिन। तुम ऐसे ऑफिस का बैग उठा रहोगे, क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे तुम। इस क्वालिटी टाइम में क्या करना होता है आई विल एक्सप्लेन बदल आपके लिए, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है इसमें। क्वालिटी टाइम में क्या होता है कि आपको ना विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन सब सामान छोड़ के साइड में रख के एक दूसरे की आंखों में आके डाल के बहस करनी होती है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को फटाफट हीटेड आर्ग्यूमेंट में होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। और तब तक वो क्वालिटी टाइम खत्म नहीं होता जब तक आप एक दूसरे को ना बोल दे तुमसे तो बात ही करना बेकार है। और दूसरा क्वालिटी टाइम होता है कि साथ में वॉक करना। आप वॉक करते हैं इवनिंग में कभी कभार? कभी कभार। आई विल टेल यू उसमें क्या होता है। अक्सर जब पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वॉक करते हैं तो पति की स्पीड तेज होती है, ये यूनिवर्सल है। अब क्या है, पति पत्नी वॉक कर रहे हैं और पत्नी बात करते करते अचानक से रुक जाएगी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। पति अभी भी चल रहा है, फिर उसको आधा किलोमीटर के बाद जाता है कि मेरे साथ एक एलेक्सा था। उससे अब आवाजें नहीं आ रही। फिर अब पीछे मुड़ता है, अभी भी औरत स्टैचू। इतिहास गवाह है, अब वो औरत चल के नहीं आएगी कभी नहीं। अब तुम्हें टू एंड फ्रो करना है। और वो वाली जो वॉक होती है ना, वो होती है वॉक ऑफ शेम। क्योंकि वो आंखों आंखों में डेटा दे रही होती है। और फिर तुम चल के आओ और फिर तुम्हें ज्ञान देगी, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी शादी हो गई है। फिर हुए तो फिर बता साथ चलेंगे वो चलेंगे। मैं कहा मैं तो सुनाई नहीं दे। सुहाई याद था मेरे को। आपको पूरा ज्ञान देगी। दोस्तों लड़कों वो ज्ञान ले लो। पर अब जितनी भी लड़कियां बैठी हैं जो आप ये करते हो अपने पति के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ, आज मैं आपको इसका रीजन देता हूं, इसमें किसी भी आदमी की गलती नहीं है। इसमें गलती है हम लड़कों की पेरेंटिंग की। क्योंकि हिंदुस्तान में जब से लड़का पैदा हुआ है उससे पेरेंट का एक ही काम है, फटाफट सामान ले आओ। फटाफट दूध ले आओ, फटाफट चाय ले आओ, फटाफट ले आओ भाई। इसीलिए हमारी ऑर्गेनिक स्पीड तेज हो गई है। ये प्रॉब्लम है लड़कियों का फिक्स होता है पता आपको। ये आपका ना हर 3 महीने में लेती है यूनिट टेस्ट। क्योंकि इन्होंने ना एजुकेशन को शुरू से बहुत सीरियसली लिया हुआ है, इम्बाइब किया हुआ एजुकेशन को।
तो ये हर 3 महीने में ना आपके एक यूनिट टेस्ट लेती है, उसमें क्या होता है, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ, बारिश भी है, पकौड़े भी है, चाय भी है हाथ में, उसी टाइम पे तुम्हारी बीवी तुम्हारा यूं मोड़ के पूछेगी, तुमने मुझसे शादी क्यों करी? इस सवाल का जवाब किसी आदमी के पास नहीं है। बस हमारी होने रही थी, अब हो गई, बात खत्म। इतना ही है सच हमारी जिंदगी में। Is it love marriage, arranged marriage? Arranged marriage, beautiful मैम। कहाँ मिले एक दूसरे से, मतलब ऐसे कहाँ मिलवाया आपको? बैंगलोर के ट्रैफिक में तो नहीं मिले होगे आप, कि आप जा रहे थे नारियल बेच रहे थे, गोला ले लो गोला। होता है कईयों को, हो जाता है प्यार। हाँ शादी डॉट ब्यूटीफुल मैम, कोई दिक्कत नहीं। ब्रदर शादी के बाद आपकी जिंदगी बदली या इनकी? हाँ दोनों की, पर ये आपकी मानती कि आपकी बदली? हाँ मैम मैं आपको बता दूं, आज लड़की की जिंदगी बदलती है बहुत शादी के बाद, कोई मानता नहीं है। आई विल एक्सप्लेन टुडे, रोना नहीं है, मैं हूं आपके लिए। मैं आज बताऊंगा इनको कि आपका दर्द क्या है। देखिए आपका तो सिर्फ आपका तो घर बदला ना, हमारे तो घर वाले बदल जाते हैं। आप समझ रहे हो कितना मुश्किल है हमारे लिए। पहले इंस्पिरेशन हमारी शादी का बताओ, शादी का मेहंदी का रंग क्या होना चाहिए? गाढ़ा होना चाहिए, उसी से अप्रूव होता है हमारा प्यार। देखो कितना प्रेशर हमारे ऊपर, समरो इन्हें कौन बताया भाई साहब, जिससे तेरा प्यार किया था उनकी मेहंदी काली हो गई थी, जेड ब्लैक हो गई थी उस औरत की, बहन उसकी फैमिली देख के बोला कि एक आदमी का प्यार तो नहीं लग रहा है ये। ये मेहंदी का स्ट्रेस हमारे ऊपर है बताओ जिंदगी में यार। शादी से पहले हमारा घर का रूल था चाइना रूल, वन रूम वन एसी। माँ बाप बेड पे सो रहे थे, हम साथ में नीचे गद्दे डाल के सो रहे थे। क्लोज फैमिली रूम थे हमारे पास, पर सो रहे थे आराम से ऐसे। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो अपने पेरेंट्स से बोला कि हमें ना प्राइवेसी चाहिए। कहते लॉल ये क्या होता है? आप बिलीव करोगे, जब मेरी शादी हुई तब मुझे पता लगा कि हमारे घर में एक और कमरा भी है। उतरा चावल का कलश, मैंने कहा मैं भी करूंगा, मेरे लिए भी नया है ये। मैं भी पहली बार ही आ रहा हूं इस घर में। हम घर में घुसे, मेरी वाइफ कहती है उस रूम में कि इसमें लाइट कैसे चलती है, मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। आप यकीन नहीं करोगे भाई, हद तो तब हो गई जब मैं नेक्स्ट दिन सुबह उठा, उठते मैं गद्दा समेटने लगा। मेरी वाइफ कह रही ये क्या करो, मैंने कहा बचपन से आदत है, मैं खाना बदोश खाकर जिंदगी जी रहा था, आज मैंने सीखा है ये। एक तो मैं बता दूं आपको, याद रखना आपके 10 महीने शादी को हैं, घर में सरकार कितनी पुरानी हो, जब नहीं आती ना पुरानी हिलती तो है। आप मानोगे मेरे फंडामेंटल हिल गए। शादी से पहले मेरी माँ फेवरेट थी, अब मेरे पापा फेवरेट है। मुझे वो आदमी अब अच्छा समझ में आने लगा है कि ये आदमी ऐसे चुप नहीं हुआ। इसको चुप कराया गया है। याद है आपको बचपन में कि आपके पापा शेव कर रहे होते थे, मम्मी कुछ बना रही है और चलाई जा रही है, तुम सुनते नहीं मेरी बात, में एक काम करती, सुनते नहीं हो। मुझे लगता था कितना खराब आदमी है ये मेरी मम्मी की बात ही सुनता। अब मेरी शादी हो गई, मुझे समझ में आने लगा वो आदमी कि हमें भी यही करना चाहिए। एक तो घर में ना सब कुछ हिल गया है, बिल्कुल बता रहा हूँ। एक तो ना बताऊँ, जैसे हमारे घर में कुछ रूल हैं, मुझे अब पता लगे शादी के बाद कि मेरे घर में रूल है जहाँ मैं रह रहा हूँ 3 सालों से। मतलब मैंने अपनी माँ का वो रूप देखा जो मुझे पता नहीं था कि ये मेरी माँ का रूप है, बिल्कुल न्यू पर्सन। मेरी वाइफ ने जाके बताया नए रूल, क्योंकि घर में शादी में 1 साल इसी में निकल जाता है कि तेरे घर में और मेरे घर में क्या हो रहा है। यही शादी 1 साल के अंदर, सर ये और आप क्या अभी भी मेरे जैसे मेरी वाइफ के घर में बनते हैं वो स्क्वायर पराठे, मेरा बनते हैं ट्रायंगल, इसी पे कलेश है घर में। ज्योमेट्री पे लड़ रहे हैं बैठ के, बताओ मुझे आप। मैं बताता हूं आपको, देखो होता क्या ना कि देखो लड़कियों की प्रॉब्लम ये है कि लड़कियों की ना पेरेंटिंग में आप कहते हैं कि भाई शादी कर लो, उसका जो मर्जी करो, जहां मर्जी हांडो, घर ही मत आओ, अपने पति का जो मर्जी करो, तो इसलिए कहते हैं आप शादी कर लो। लड़की शादी कब कराते हैं कि ये बहुत हांड लिया,
ये घर पे टिकता ही नहीं है, शादी करा दो। तो जब आप वरमाला चढ़ा रहे हो तो आपको दिख रहा है उसमें वर्ल्ड टूर का पैकेज कि हम यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, इसको दिख रहा है अब मैं घर से निकलूंगा। इसलिए वीकेंड में किसी पति को सोफे से उसके हाफ पैंट से निकाल के दिखाओ आप, मौत आती है उसको, कह रहा मैंने घूम लिया जितना घूमना था जिंदगी में। ये डिफरेंस आता है, ठीक है ना? आपके साथ ये योगा मैम बोलेंगे आपको, पर घूम लेना चुपचाप घूम लेना, मम्मी को बोलना मैं मुंबई हूँ, ठीक है ना? ऐसे बोलते हैं रिलेशनशिप। आपको कोई बॉयफ्रेंड भी है इनमें से? दो लड़के बैठे हुए क्या? हाँ अच्छा, शादी नहीं हुई इनकी, और तुम अपने बालों में लगाओ जितने वाइट हो रहे हैं।